यूपी के चित्रकूट जिले में घने कोहरे का कहर बरपा, जहां सामने से आ रही रोडवेज बस की भिड़ंत ट्रक से हो गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल मामला रायपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मैकी मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां घने कोहरे के कारण आज सुबह प्रयागराज से आ रही रोडवेज बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत हो, जिससे 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 लोगों की हालत नाजुक होने पर उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। हम लोग 4 लोग थे अपने इंस्टीट्यूट से, मतलब इलाहाबाद से सब लोग 4 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग आए थे रिलेशनशिप में, वहाँ रुके थे। इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को डायरेक्ट रोने के बाद सुनाई दी, तो डायरेक्ट निकल के आए। इसके बाद ट्रक और इसका बस का एक्सीडेंट हुआ था जी जी। तो ये जो हमारे जो पंकज जी थे जी, बस कंडक्टर जी, ये बस के नीचे दब रहे थे जी। तो वहाँ के जो जनता थी सब लोग तमाशा देख रहे थे। इसके बाद तुरंत हम कई लड़कों को बुलाया, मतलब बस कंडक्टर बस वाला कुछ नहीं बोला। इसके बाद तुरंत न्यूट्रल करवाए, इसके बाद हम पास से धक्का लगवाए। इसके बाद तुरंत सब नंबर को सब जितने भी हमारे पास कांटेक्ट नंबर थे इमरजेंसी सेवा वाले सभी नंबरों में लगाए। इसके बाद तुरंत सब 5 या 10-15 मिनट के बाद सुविधा उपलब्ध हुई, और एम्बुलेंस वालों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि तुरंत इतने कोहरों के बावजूद भी उन्होंने तुरंत जल्द से जल्द ये व्यवस्था सब उपलब्ध कराया। निखर कर दिया गया है और जिनको छोटी मोटी चोटें हैं उनका ड्रेसिंग और पट्टी सब कुछ करवा दिया गया। प्राथमिक इलाज सभी को हो गया, सभी को हो गया, और सबको कहाँ भेजा गया है? सभी को जिसको गंभीर चोटें हैं हल्की फुल्की एक्सरे वगैरह भी कराने के लिए, जैसे इनको है उनकी हेड इंजरी है और पैर में भी चोटें हैं, तो एक्सरे के लिए मैंने स्वरूप और किसी का डेड होने की कोई जानकारी अभी तक? अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई डेड होने की, बस कंडक्टर है ज़्यादा रोडवेज का, और जो ट्रक ड्राइवर है उसको क्या जो ट्रक पक्ष का।